एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन नंबर 3.10 यानी 3.10 को बच्चों आज सॉल्व करेंगे। बोर्ड पर नजर रखें, 100% समझ में आए इसकी गारंटी है। तो बच्चों लिखा जाए प्रॉब्लम नंबर 3.10 द कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम क्लोराइड लैम्डा नोट एयर। यही तो है बच्चों प्रॉब्लम नंबर 3.10 है ना। कितना लंबा चौड़ा है लेकिन उतना ही आसान है। सिर्फ आप देखिए 5-10 मिनट का समय लगेगा, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा है ना। ये जो है ग्राफ में है जो बच्चों कंसेंट्रेशन दिया हुआ है, आपका पा दिया हुआ है, इससे पूछ रहा है आपको लेमडा एम, और लेमडा एम पूछने के बाद कह रहा है C1/2 भी निकालिए। और दोनों का क्या है, ड्रॉ ए प्लॉट बिटवीन डेल्टा एम लेमडा एम एंड C1/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा नोट एम है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेमडा एम का फॉर्मूला लिखेंगे, यानी के इंटू 1000 है ना डिवाइडेड बाई सी। लिख दिए, के का वैल्यू दिया हुआ है बच्चों, यहाँ -2 होगा है ना, -2 यहाँ है 1. और यहाँ जो है साइमन पर मीटर है, जो कि लिखना है साइमन पर सेंटीमीटर, यहाँ कर देते हैं 1.237 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 0.001 जो कि दिया हुआ है। इसका अगर कैलकुलेशन कीजिएगा, पॉइंट काटिएगा, 3 जीरो ऊपर जाएगा, 3 6 जीरो में 4 जीरो हटा दीजिएगा, 10 to the power -4 2 जीरो मल्टीप्लाई, यानी ये हो जाएगा 1.237 साइमन सीएम स्क्वायर पर मोल। चलिए ये तो निकल गया, अब क्या निकालना है आपको, C1/2 ये कैसे निकलेगा, C का रूट कर दीजिए और कंसेंट्रेशन है 0.001 का अंडर रूट, इसका रूट निकालिएगा 0.0316। चलिए एक का तो दोनों निकल गया, उसी तरह से 1 2 3 4 5 चार का आपको निकालना है, सेम जैसे ही निकाला हुआ है ना। वैसे तो बच्चों पहले से हम निकाल के रखे हैं, इतना गुना भाग इसमें करना इम्पॉसिबल है। एक तरफ लिखिए लेमडा एम, एक तरफ लिखिए C1/2 और इसको घेर दीजिए। पहला में आया है 1.237 जिसका है 0.0316, दूसरा है बच्चों 118.5 और इसका 0.1, तीसरा है 115.8 और इसका है 0.1414, फिर है 111.8 0.20 और कुछ आवेगा, फिर है 106.74 0.3152 है ना। यही जो है दोनों सभी का वैल्यू है बच्चों। अब इसमें ग्राफ निकालना है, इसमें दो एक्सिस लेना है, वाई एक्सिस हो गया और एक्स एक्सिस है ना। अब देखिए इसमें जो है लेमडा एम को वाई एक्सिस में लेते हैं और इसमें C1/2 को लेते हैं। अब यहां जो है बच्चों दर्शाते हैं पहले 106, फिर 108, 110, 112, 114, 16, 18, 20, 22, 24 है ना यहां तक। और इसमें जो है बच्चों हम लोग दर्शाते हैं 0.05, फिर है 0.1,
फिर है 0.15, 0.2, 0.25, 0. कर दीजिए 0.25, फिर है 0.3, 0.35, है ना। अब देखिए बच्चों सी हाफ कितना दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा 0.0316, यानी 0.5 से के बीच, यानी 0 से 0.05 यहां से निकालेंगे और यहां से इसका जो वैल्यू आ रहा है लगभग 124, यानी यहां आ रहा है, इसको ऐसे नोट कर दीजिए, है ना। अब देखिए दूसरा का 0.1 में क्या आ रहा है, 118, यहां देखिए 118 आपका यहां आ रहा है, 118 से कुछ ज्यादा, यानी यहां हो जाएगा इस प्रकार से, है ना। फिर है 0.014, यानी 0.15 से कुछ कम, इसका वैल्यू है 115, यानी 14 यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, है ना, यहां इस तरह से। इसके बाद है 0.2, देखिए 0.2 है, 0.2 में 111.8 है, यानी 112 के आसपास जाएगा, यहां आ जाएगा, है ना। इसके बाद है 0.3 में आसपास यहां आ जाएगा, और 0.3 में 106, यानी यहां लंबा, यानी इसका ग्राफ अगर ऐसे बनाइएगा इस प्रकार से बनेगा, है ना, यहां क्रॉस करेगा 123 के आसपास। यही जो है बच्चों कंसेंट्रेशन आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और लैम्डा नॉट एम जहां ए बाई को क्रॉस करता है वही वैल्यू, यानी 124, यही आंसर आएगा। कितना आसान है बच्चों, बसरते सभी का लैम्डा एम और C1/2 निकालना हो, है ना। रेगुलर क्लास करते रहे, इसमें जो प्रॉब्लम है कमेंट करके बताइएगा, उसको सॉल्व करेंगे। इसी के साथ बच्चों धन्यवाद।